अगर इस तरह से लिखा हो, नाउ दीज आर द दिस इज प्रॉपर्टी फोर एंड इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट रिजल्ट्स, वो मैं जानकर ऐसा लिख रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छा लगे, समझ में आए कि जनरलाइज रिजल्ट्स हैं और ये सब एक ही आंसर दे रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला ये है, इट इफ इट इज गिवन 0 to π/2, π/2 साइन एन एक्स अपॉन साइन एन एक्स प्लस कॉस ऑफ एन एक्स, इसकी वैल्यू हो या आपका ये हो 0 to π/2 हो, कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन एन एक्स प्लस कॉस ऑफ एन एक्स हो, ये अलग से उठा के ये वाला क्वेश्चन दे, उस पर एन एन पावर कुछ भी लगाए कोई दिक्कत नहीं है, एन की कोई भी पावर हो, ठीक है, उस केस में आपको आंसर इसका दोनों के π/4 ही मिलना है। सो दिस इज द जनरल रिजल्ट, यू जस्ट डिसाइड व्हाट इज द एन एंड देन यू कैन पुट द आंसर एज ए π/4, तो डायरेक्टली आंसर उसका π/4 लिख सकते हो आप, ठीक है ना। वो कॉस से स्टार्ट कर सकता है, वो साइन से भी स्टार्ट कर सकता है। दूसरा रिजल्ट यह है कि अगर मान लीजिए इस तरह से लिख दे, 10 में भी हो सकता है, 10 में भी हो सकता है, 0 to π/2 10 एन एक्स डिवाइडेड बाय 10 प्लस कॉट, ठीक है ना, इसमें लिखा है इसने 10 प्लस कॉट भी यूज कर सकते हैं, राइट, 1 प्लस पहले 10 का ही लिख देते हैं, 10 10 एन एक्स प्लस कॉट ऑफ एन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू भी 10 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर रिजल्ट को लेकिन 10π/2 लिमिट लगाने पर, ठीक है, इस रिजल्ट को लिखा जा सकता है, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 to π/2 एंड दिस इज कॉट एन एक्स डिवाइडेड बाय 10 एन एक्स प्लस कॉट ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स, बोथ आर इक्वल्स टू π/4। देखिए बिल्कुल कितने जनरल रिजल्ट हमें मिल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में एन को कुछ अलग अलग रख के वो बहुत अलग तरह के सवाल बना सकता है, लेकिन हम डायरेक्टली π/4 आंसर उसका लिखने वाले हैं। तीसरा है अगर 0 to π/2, ये आ गया आपका 10 वाला रिजल्ट, देखिए 10 एन एक्स 10 एन एक्स डी एक्स हो एंड 1 प्लस 10 एन एक्स हो तो भी वही वैल्यू देगा। रीजन ये है दिस इज इक्वल्स टू π/4 और ये आपका 0 to π/2 कॉट भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, कॉट एन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट लिखेंगे तो कॉट लिख देंगे, ठीक है, नीचे कॉट आएगा, दिस इज कॉट एन एक्स डी एक्स, इन बोथ द केसेस द आंसर इज π/4। हम π/4 आंसर की तरफ चल रहे हैं कंटिन्यूसली इन सो मेनी वेज, इफ द क्वेश्चन इज गिवन देन यू हैव टू राइट द आंसर एज अ π/4। जैसे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस पुरानी इसी फॉर्म में, 0 to π/2 है, या आप लिखोगे साइन एन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन बाय कॉस लिखेंगे तो कॉस तो इधर सपोज साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, एलसीएम लेंगे तो साइन अपॉन कॉस, दिस इज कॉस एन एक्स प्लस साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स आ जाएगा, ये वापस आपकी ये पुराने फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट को जैसे कॉस अपॉन साइन आप लिखेंगे कॉस एन एक्स बाय साइन एन एक्स, तो नीचे भी कॉट को लिख लें कॉस अपॉन साइन, सो अगेन इट इट ऑल्सो कन्वर्ट इन टू दिस फॉर्मेट और ये वाला इधर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सो फिर भी आंसर इनके सबके आ रहे हैं, अभी तक π/4 ही चल रहे हैं, आंसर इनके π/4 ही है, मतलब अगर ये फॉर्म पकड़ा हुआ है इसने और अपर लिमिट π/2 है और लोअर लिमिट 0 है, तो इस केस में इस तरह के जितने भी सवाल वो बनाएगा आंसर आप π/4 लिखोगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके बाद में और लिख रहा हूं मैं रिजल्ट्स, सपोज इस तरह से हो, dx 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस 10 एन एक्स, ये भी हो तो भी चलेगा बिकॉज साइन कॉस में कन्वर्ट करने पर ये एलसीएम ऊपर जाएगा, और 0 to π/2 हो तो dx अपॉन 1 प्लस cot एन एक्स, इनके भी आंसर π/4 ही है, डायरेक्ट आंसर π/4 है, यू कैन चेंज एन नो प्रॉब्लम,
वट एवर इज द एन, यू कैन गेट द आंसर एज ए 5/4। ठीक है, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट लिख लेता हूं, मैं सेक और कोसेक के बीच में भी सेम पैटर्न चलता है, यानी कि 0 से π/2 हो जाए, यानी कि सेक एन एक्स डी एक्स हो जाए, तो उसको लिख सकते हो साहब सेक एन एक्स प्लस कोसेक एन एक्स, ये भी आपको 5/4 ही दे रहा है, 0 to π/2, क्योंकि सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है 90 θ से, और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है, तो डेफिनेटली जब प्रॉपर्टी 4 का यूज होगा तो ये आंसर 5/4 ही देने वाला है। दिस इज कोसेक ऑफ एन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय सेक ऑफ एन एक्स प्लस कोसेक ऑफ एन एक्स, एंड इट्स आंसर इज ऑल्सो 5/4। अगर और बात करें, कोई आंसर दे दे कि 0 to π/ सपोज क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ मैं, रूट ऑफ सेक एक्स एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सेक एक्स प्लस रूट ऑफ कोसेक एक्स, सेम पावर होनी चाहिए तीनों पे, अगर ऐसा दे दे तो आप उठा के इसका आंसर जो है 5/4 लिख देंगे। अगर ऐसा नहीं लिखे, चलिए पावर चेंज कर देते हैं, इसमें अगर पावर चेंज भी कर देगा, मान लीजिए 5/7 पावर लगा दे, 5/7 sec 5/7x cosec 5/7x लिख देगा, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा, सेम आंसर आने वाला है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये सारे जनरलाइज रिजल्ट्स हैं, आप इसको सवाल को कई तरह से घुमा फिरा के पावर्स लगा के दे सकता है, आपको आंसर 5/4 ही लिखना है। ध्यान रखना है कि 0 से π/2 लिमिट लगाओगे तभी उस केस में होगा, और बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी 4 डिनोमिनेटर इज नॉट गोइंग टू चेंज।